अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है और आप चाहते हो कि आपका समय भी वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट ना हो और बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल लोगे, तो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको एक ट्रिक बताया, तो यहाँ पे क्या लिखा, मान लो हम ऐसा नंबर लेते कि अगर उस नंबर को जोड़े तो वो ये वाली साइड आनी चाहिए और उसी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये वाला साइड आना चाहिए। तो जैसे कि मान लो एक नंबर लेता हूँ, यहाँ पे 3 लेता हूँ, अगर मैं 3 लेता हूँ ठीक है, और 3 को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। और अगर 3 का स्क्वायर कर दूंगा, 3 का मैं यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ, क्या करता है स्क्वायर कर देता हूँ, तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि अगर उसको जोड़ूंगा तो ये वाली साइड आएगी और उसी नंबर का स्क्वायर कर दूंगा और ये वाली साइड आएगी। ऐसा किसी भी केस में हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखो जो नंबर था हमारा क्या था, 3 था, उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 को पुट कर दूंगा तो देख लो क्या आएगा, यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ मैं ठीक है, 9, और नीचे भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर दूंगा 3 स्क्वायर ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, देन यहाँ पे 9 लिखा है तो 9 लिख दूंगा, और नीचे क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा ठीक है, तो यहाँ पे 9 लिख दूंगा ठीक है। 9 से 9 कट जाएगा तो आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ठीक है। तो 10 हमारा ऑप्शन में से कौन सा है, ए 8 है, बी 9, इससे हमारा 10 है, तो ये वाला बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं।